Uh, Vibha, sir, I welcome you for the session. Over yes, sir. To you. Thank you. Thank you, sir. So, sir, can I start? Yes, sir, please. Okay. So, uh, good afternoon, everyone. As you know, today we have a session on a virtual lab. So, it will be in a two parts. One, that uh, I will give you an overview of what a virtual lab is and how it works. Uh, and sir, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर एक्चुअली जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं ये नॉर्दर्न स्टेट्स के हैं तो इफ पॉसिबल जो है वो सेशन आप हिंदी में रखें तो ज्यादा बेहतर होगा ठीक है सर मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैक्सिमम हो पाए वो हिंदी में ट्राई करता हूँ थैंक यू जी सर सो so, uh, मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या सबको ये yes, सर आपका स्क्रीन विजिबल है ओके सो एज द इट वॉज इंट्रोड्यूस अर्लियर बताया गया कि वर्चुअल लैब ऑन दीक्षा टाइप डेवलपमेंट डेवलपमेंट और प्रोसेस प्रोसेस सो इट विल बी इन टू पार्ट पहले पार्ट में हम देखेंगे uh, क्या है वर्चुअल लैब क्या कॉन्सेप्ट है कैसे इसको करना है एंड देन सेकेंड हाफ में मेरी कलीग मिस uh, प्रियंका आपको कुछ लैब्स जो हमने डेवलप की हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वो आपको कैसे यूज कर सकते हैं वो आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा एंड देन उसके बाद आपको हम एक टूल के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं सो so, पहले मैं आपको एजेंडा बता देता हूं जैसे मैंने आपको बताया पहला इंट्रोडक्शन देन क्या नीड है वर्चुअल लैब्स की देन क्या कंप्लीट इकोसिस्टम होता है जब हम एक वर्चुअल लैब बनाते हैं देन उसके बाद ओ लैब्स जो ऑनलाइन लैब फॉर स्कूल्स हमारा टूल है सीडेक मुंबई का उसका एग्जाम्पल फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट और क्लासेस के लिए उसका हम डेमो देंगे ओवरव्यू uh, के बाद देन आप uh, कैसे एक लैब बना सकते हैं उसके लिए हम आपको एक दो टूल का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे करेंगे एंड उसके बाद उस बनाए हुए लैब को वर्चुअल लैब को कैसे हम अपने करिकुलम में अडॉप्ट कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसका हम डिस्कशन करेंगे सो बिफोर मूविंग दैट हम पहले एक uh, थोड़ा सा एक ये फीडबैक लेना चाहेंगे कि एक ये लिंक है आपके स्क्रीन पे आपको ये लिंक ओपन करना है और आपको कोई भी तीन वर्ड जो आपके माइंड में आता है जब हम वर्चुअल लैब्स की या सिमुलेशन या इन सब लैब्स की बात करते हैं तो आपके मन में क्या आता है वो आपको यहाँ पे डालना है सो so, ये मैं चैट में डाल रहा हूँ आपको आप वहाँ से इस लिंक पे क्लिक करके अपना फ़ीडबैक डाल सकते हैं फिर वो फीडबैक हम देखेंगे प्लीज़ कंफर्म आपको चैट में लिंक मिला ओके okay. So, जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा हमको यहां पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा ओके सिमुलेशन डिजिटल टेंकर कैड साइंस मैथ्स नॉट रियल लैब बट वी कैन कीप इट शॉर्ट बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं छोटे छोटे वर्ड्स रखते हैं एरिया वॉल्यूम एजुकेशन अब तक थर्टी फोर लोगों ने रिस्पॉन्स अपना सबमिट किया है फोर्टी टू सो आप देख सकते हैं कि जो वर्ड्स लोग ज्यादा फीडबैक में दे रहे हैं वो बोल्ड होके आ रहा है तो यू कैन सी सिमुलेशन जो है वो मेन पार्ट है इसका एजुकेशन सिम्युलेशन साइंस मैथ्स जो कि बोल्ड होके आ रहा है बाकी वर्ड एज अ वर्ड क्लाउड यहां पे आपको विजिबल है अब तक सिक्सटी फाइव लोगों ने रिस्पॉन्स सबमिट किया है एटी फोर गुड गोइंग 96 सिक्स नाइन वन ट्वेंटीजी है आप देख सकते हैं साइंस सिमुलेशन एजुकेशन मैथ्स टेक्नोलॉजी वीडियो वॉल्यूम इजी गोइंग डिफरेंट सब्जेक्ट ये वो प्रोमिनेट वर्ड है जिसको ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स ने एज अ फीडबैक दिया है हमारे पास वन थर्टी एट पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक अब तक आ चुका है 145, 148, 156, 52 हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं आई गेस आप सब ने ही इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके रिस्पॉन्स किया है सो यू कैन सी दीज आर द्री डिफरेंट वर्ड्स विच कम इन द माइंड जब हम वर्चुअल लैब्स के बारे में बात करते हैं अगेन जस्ट टू क्रॉस चेक मेरा स्क्रीन विजिबल है आप लोग को ना Okay. आप कुछ लोग बोल रहे हैं कमेंट में कि स्क्रीन ब्लर था तो मैं एक बार फिर से शेयर करता हूं समवन फ्रॉम द सीआईटी कैन जस्ट कंफर्म अगेन कि स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है थैंक यू सो लैब्स इन एजुकेशन हम बेसिक स्टार्ट करेंगे ओवरव्यू से कि क्या वर्चुअल लैब है क्या होता है एक्टिव लर्निंग हाउ वी डू कैन सी दैट द लेबोरेटरीज रिक्गनाइज इंपॉर्टेंट डिवाइसेस इन द लर्निंग प्रोसेस दीज डेज आजकल ये जिसका ज्यादा ट्रेंड है इसके फायदे की बात करूं अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूँ सो यू कैन सी देंड्स ऑन फील ऑफ द लेसन लर्न कनेक्टिंग थियरी टू द रियल लाइफ

अगर हम स्टूडेंट को किसी चीज में इन्वॉल्व करते हैं किसी भी पार्टिसिपेंट को किसी चीज में तो उसके हंड्रेड परसेंट चांसेस है कि वो उस चीज को अंडरस्टैंड करेगा समझेगा सो so वही ये लैब का कॉन्सेप्ट होता है चाहे वो वर्चुअल हो या स्कूल में फिजिकल लैब हो एक्टिव लर्निंग का कि हम जब एक्टिविटी करते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं बट जब हम लैब करते हैं तो स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व होता है वो उस एक्टिविटी को करता है तो so जब हम कोई चीज करते हैं तो हमें अच्छे से याद रहता है लॉन्ग टर्म तक और कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छे से तैयार हो जाता है बट एवरीथिंग हैज कम विद सम कॉस्ट सो वी कैन सी दैट की जो कॉस्ट और स्पेस रिक्वायरमेंट है फिजिकल लैब का नॉट इन ऑल स्कूल बट वेन स्कूल दे आर इट्स अ हायर साइड रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी कभी कभी ज्यादा होता है लिमिटेड एक्सेस होता है टाइम कंस्टेंट्स क्योंकि हम एक अपने सेशन में या डे के अगर कैलेंडर की बात करें टाइम टेबल की तो लैब के सेशन थोड़े कम होते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम में स्टूडेंट को लैब कंप्लीट करनी होगी और उसके बाद कुछ लैब्स ऐसी हैं जो कि पॉसिबल नहीं होती हैं फिजिकल लैब में हेयर आई वॉन्ट टू जस्ट से की हम फिजिकल लैब रिप्लेस की बात नहीं कर रहे हैं फिजिकल लैब तो मेन कंपोनेंट है जहाँ पे स्टूडेंट रियल फील लेता है केमिकल्स स्मेल कर सकता है ammeter, देख सकता है 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 वो उसका इफेक्टिवनेस तो ही दिस वर्चुअल लैब इज अ कॉन्सेप्ट कि जहां पे ये चीजें नहीं है हम वहां पे स्टूडेंट को एम्पलीफाई करेंगे मतलब ये कि एडिशनल है जहां पे स्टूडेंट अपने मन से जब चाहेगा तब कर सकता है और एक्टिविटी को फिर से वैसे परफॉर्म कर सकता है सो यू कैन सी जैसे कि पेंडुलम है अगर हम यहाँ पे अपनी ग्रेविटी में अर्थ पे बात करें तो शो कर सकते हैं लैब में बट हमने सिमुलेशन में ऐसे लैब बनाया है जहाँ पे अगर जुपिटर पे मार्स पे अगर ये बिहेवियर करना हो तो कैसे पेंडुलम रिएक्ट करेगा हम वो ऑब्जर्वेशन नोट कर सकते हैं कुछ डेंजरस रिएक्शंस हैं जो कि पॉसिबल नहीं है वो भी हैं एंड कुछ टाइम टेकिंग टास्क हैं जैसे लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो वो परफॉर्म करने में काफ़ी टाइम लगता है तो उसको थ्रू एनिमेशन एंड सिमुलेशन हमने ऐसा बनाया है कि टीचर कॉन्सेप्ट समझा सकता है अच्छे से एंड देन बाद में स्टूडेंट इसको परफॉर्म करके कंप्लीट कर सकता है

डेशन होने के साथ ही साथ इम्पोर्टेंस भी वर्चुअल लैब का काफी बताया गया जिसके वजह से लैब क्रिएट कर रहे हैं हम सीडेक में भी काफी लैब्स क्रिएट uh, कर रहे हैं फ्रॉम क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ जिसका मैं बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन uh, भी करूंगा और डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा देन दिस इज द वर्चुअल लैब कोर आई विल एक्सप्लेन दैट वन ऑफ द एग्जाम्पल इज ओ लैब्स दैट विच हैव क्रिएटेड इट इज ऑनलाइन लैब फॉर स्कूल्स फ्रीली अवेलेबल इट्स फंडेड बाई लिए फ्री में अवेलेबल है और एंड रिटर्न दैट अनकेंट अवेबिलिटी है ट्रेवियल कॉस्ट भी एक बार डेवलप हो गया तो काफी uh, कम है माइट बी ट्रू की फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है में अटेम्प्ट है कि मिमिक द रियलिटी इट इज एज रिटर्न दैट बट नॉट द एक्सल रियलिटी बट वॉट वी हैव ट्राइड हेयर हमने क्या कोशिश किया है कि जैसे एक्चुअल फिजिकल लैब में आप स्टूडेंट को बुलाते हैं एक फिजिक्स लैब में उनसे बोलते हैं कि ये ओम मीटर है ये वोल्टे मीटर है आप वायर लीजिए कनेक्ट करिए रेजिस्टेंस में उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस मूव करने के बाद इन दोनों की वैल्यूज नोट करिए सो जैसे वो फिजिकल लैब में स्टूडेंट uh, करता है डिवाइसेज के साथ सेम हेयर सिमुलेशन में वर्चुअल मोड में विद द हेल्प ऑफ माउस एंड की उसको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और ऑब्जर्वेशन बताऊंगा तो फिजिकल तो हमारे कुछ ही वेट हो सकते हैं बट सिमुलेशन में क्योंकि नहीं लगाना है तो हम कितने भी वेट लगा के ऑब्जर्वेशन नोट कर सकते हैं फिर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं टाइम स्केल कि अगर कोई लैब ज्यादा टाइम है जैसे एक आयरन को नेल को केमिकल रिएक्शन में डाल के हमें ऑब्जर्व करना है कुछ घंटे तक कि क्या उसमें रिएक्शन होता है तो उसको हम तेज या धीरे भी कर सकते हैं और न्यू अपॉर्चुनिटीज जैसे मैंने बताया कि पेंडुलम इन मून और जुपिटर अलग अलग जगह पे कैसे परफॉर्म करेगा बिहेव करेगा वो ऑब्जर्वेशन भी ले सकता है यस इट इज ए वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस एंड वी एज वी सेट आई टेल यू अर्लियर ऑल्सो मैंने आपको बताया कि इट इज टू एम्पलीफायर नॉट टू रिप्लेसमेंट हम फिजिकल लैब नहीं हटा रहे हैं इट इज जस्ट ये एम्पलीफाई करता है और स्टूडेंट्स uh, को काफी हेल्पफुल रहता है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमको अभी कोविड टाइम में बहुत ज्यादा इस प्रोजेक्ट को जो लैब्स का प्रोजेक्ट है उसमें हमें पता चला जब स्कूल्स बंद थे तो ये लैब्स काफी टीचर्स ने इसको यूज करके स्टूडेंट्स ने घर से परफॉर्म किया सो so, इस तरह से भी इस वर्चुअल लैब का हम लोग यूज कर सकते हैं देन इकोसिस्टम मतलब ये कोर इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं कि जैसे हमने क्या सोचा है एक लैब बनाने के लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने एक लैब लिया ना no, सपोज हमने मैथ्स का एक पैथागे थ्योरम का लैब लिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या थियोरी रेलिवेंट है तो पैथागेर थ्योरम क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उसके रिलेटेड प्रूफ एटसेक्ट्रा क्या होते हैं वो हम डालते हैं देन समझना ये चीज की प्रोसेस और उसका इम्प्लीमेशन क्या है कि अगर हम ये लैब परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे स्टूडेंट क्या सीखेगा उस पर क्या एम्प्लीकेशन होंगे क्या ऑब्जर्वेशन होंगे ये सारा चीज नोट होता है फिर अगर कोई लैब में ग्राफ है जहाँ पे प्लॉट करना है या कोई टेबल रिकॉर्ड करनी है तो वो सारे फीचर्स प्रोवाइड करने चाहिए एंड अगर एक्टिविटी जो कोर है वो सिमुलेटर है जहाँ पे स्टूडेंट को इंटरेक्ट करना है करके देखना है लैब को खुद से एंड देन उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस दस क्वेश्चंस बनाए हैं ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर जिससे ये टेस्ट हो जाता है उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस से कि स्टूडेंट प्रॉपर समझ रहा है या नहीं या उसे वो कोन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं एंड लास्ट में रेफरेंसेज जैसे कुछ और स्टूडेंट्स उस कॉन्सेप्ट में डीप डाइव करके और कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं तो कुछ रेफरेंस लिंक्स अवेलेबल है जहां पे वो कर सकते हैं सो so, ये कंप्लीट इकोसिस्टम होता है वर्चुअल लैब्स का कि जब हम लैब बनाते हैं तो क्या क्या चीजें अपने माइंड में रखते हैं और कैसे हम एक वर्चुअल लैब डेवलप करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा वो फायदेमंद या बेनिफिशियल हो सके uh, ये दो मेजर इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो फर्स्ट जो है वो वर्चुअल लैब है ये आई द्वारा है सो so, क्या है की आई वर्चुअल लैब वर्चुअल वेबसाइट आपको दिख रही होगी एस टी टीपीएस डब्लू डब्ल्यू डब्लू डॉट वील डॉट को डॉट इन ये एक्चुअली सीनियर स्टूडेंट्स के लिए मतलब है जो कॉलेजेस में है अबव ट्वेल्व तो ये आई का इनिशिएटिव है जिसमें डिफरेंट आई ने कम्बाइन होकर कुछ लैब्स डेवलप किए हैं जो इंजीनियरिंग के लिए साइंस के सीनियर मतलब हायर सेकंड हायर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है देन कम टू स्कूल एजुकेशन की बात करें तो ओलैब्स एक गवर्नमेंट uh, का प्रोजेक्ट है जो कि ओलैब्स डॉट एन वेबसाइट पे है और अब दीक्षा के प्लेटफॉर्म पे भी लिंक्ड है जो आपको यू दिख रहा है मैं आपको चैट में भी डाल दूंगा दीक्षा डॉट जी ओ वी डॉट इन स्लैश वर्चुअल लैब्स डॉट एस टी सो यहाँ से दीक्षा ने क्या प्लेटफॉर्म से क्या है कि आपको क्लास वाइज मैपिंग हुई है सो so आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको अगर क्लास एट्स के साइंस का कोई एक लैब चाहिए तो वहां पे ही आप उसको बाकी मटेरियल के साथ लैब को रेफर करके आप इस लैब को परफॉर्म कर सकते हैं देन ऑल्सो अगर कहीं पे स्कूल्स मान लीजिए रहा बहुत रूरल एरियाज में है जहाँ पे इंटरनेट कंस्टेंट है इंटरनेट की एबिलिटी नहीं है तो हम वहाँ पे ऑफलाइन इंस्टॉलर भी अवेलेबल करा देते हैं एक रिक्वेस्ट पे वो आप एक मशीन में इंस्टॉल कर देंगे तो फिर वो ऑफलाइन हमेशा के लिए चलेगा ऑल्सो मोबाइल सेवा ऐप स्टोर पर इसका एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है सो so, ऐप में हम रेकमेंड ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि स्क्रीन साइज बहुत छोटा हो जाता है तो जब हम जब स्क्रीन छोटे स्क्रीन साइज में ड्रैगन ड्रॉप की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है So, हम क्या करते हैं कि मिनिमम टैबलेट हो एटलीस्ट सेवन एट इंचेस स्क्रीन का या उससे बड़ा क्योंकि तो इजिली और लैब uh, की जा सके और स्टूडेंट को समझ में आए ये अभी तक का स्टेटस है जो आप देख सकते हैं कि करंटली टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व लैब जो हैं वो अवेलेबल है दीक्षा पे जो लिंक कर दी गई हैं ऑनलाइन लैब्स की जिसमें साइंस के लिए क्लास सिक्स टू एट है फिजिक्स के लिए क्लास नाइन्थ टू ट्वेल्थ है केमिस्ट्री के लिए नाइन टू ट्वेल्थ बायो के लिए नाइन टू ट्वेल्थ मैथ्स के लिए क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ और कुछ नॉन साइंस सब्जेक्ट जैसे लैंग्वेज और सोशल साइंस को भी हमने इंक्लूड किया है जैसे इंग्लिश हिंदी संस्कृत की भी कुछ लैब्स हैं और सोशल साइंस की भी कुछ लैब्स हैं और साइंस के लिए भी सिक्स टू टिक्स टू एट भी लैब्स डेवलपमेंट में है कुछ लैब्स कंप्यूटर साइंस की भी हैं जो बनाए जा रहे हैं अभी पोर्टल पे 212 सौ बारह हमारा टारगेट है कमिंग ईयर्स uh, में हम और ज्यादा लैब्स को इसमें ऐड करें और कंटेंट को रिच कर सकें जितना ज्यादा वो यूजफुल हो स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट वाइज अवेलेबिलिटी है आप जैसे देख सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स लैंग्वेज लैंग्वेज के अंदर हिंदी इंग्लिश संस्कृत देन साइंस ये सिक्स टू एट के लिए ऑल कंबाइंड कंप्यूटर की भी कुछ लाइब्रे रखी गई हैं जिसमें स्टूडेंट कंप्यूटर लैंग्वेज की पढ़ाई कर सकता है फिर एयरवियर जो हम ला रहे हैं कि कुछ लैब्स हम जिसमें जिसमें विजुलाइजेशन की और ज्यादा जरूरत है जैसे पिरामिड है या थ्री डी शेप्स है सो तो इन लैब्स को एयरवियर के थ्रू भी स्टूडेंट बड़े आराम से समझ सकता है अपने स्मार्ट डिवाइसेज के थ्रू एंड देन सोशल साइंस में जो हमारी लैब है वो जोग्राफी सिविक्स हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स इन टॉपिक्स की भी हम सिक्स टू ट्वेल्थ तक तो की लैब्स बना रहे हैं कुछ लैब्स ऑलरेडी बन गई हैं जो वेबसाइट पे हैं आप देख सकते हैं हम आपको उसका डेमो भी देंगे और कुछ अभी इन प्रोग्रेस है जो लैंग्वेज की बात करें तो अभी ये कंटेंट हिंदी इंग्लिश मराठी और मलयालम में अवेलेबल है बट जल्दी ही हम इसको और जितने मैक्सिमम रीजनल लैंग्वेजेस जो अपने कंट्री के हैं हम उसमें इसको अवेलेबल कराएंगे ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच के उनको फायदा पहुंचा सके ये कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगा ओ लैब्स के बारे में ऑनलाइन लैब्स के बारे में कि ये कंप्लीट इकोसिस्टम है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी प्रीवियस कुछ स्लाइड में कि केवल एक लैब का परफॉर्मेंस नहीं है उससे रिलेटेड थियोरी प्रोसीजर एनिमेशन सिमुलेशन एक्चुअल रिकॉर्डिंग ऑफ द लैब वीडियो फिर वाइवा वॉइस और फिर रेफरेंस तो सब कुछ ऐसा क्लब करके हम स्टूडेंट को देते हैं ताकि वो कहीं और ना जाए एक ही जगह से सब कुछ समझ जाए कंसिस्टेंसी इन टेक्नोलॉजी इज लाइक दैट कि जो कंटेंट सीबीएसई पढ़ाता है वही चीज़ एनसीईआरटी सीबीएसई का हमने लिया है तो जो टेक्स्ट बुक और लैब मैनुअल्स हमें प्रोवाइड की गई है उसी के बेस्ड पे है हम उससे डेविएट नहीं हुए हैं तो स्टूडेंट को बहुत ईजी रहेगा समझना एक्चुअल लैब का भी और यहाँ का भी एट जो ऐसा किया है कि ये सारे कंप्लेट्स एन करिकुलम से ही मैप किया गया हम लोगों ने और एक बार लैब बनने के बाद हम ये लैब्स रिव्यू होने के बाद एनसीआर और सीबीएसई को प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से सीबीएसई टीचर्स इसको रिव्यू करके देख देते हैं हमें कि अगर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है तो वहां से वो चेंज करके हम लोग वापस उसे फिर प्रॉपर कर देते हैं इट हैज अ हायर डिग्री ऑफ इंटरेक्टिव फॉर लर्नर्स एंड मल्टीपल एफोर्डेंसिस की मतलब इंटरेक्शन जो है वो लर्नर का बहुत ज्यादा है इस लैब में और मल्टीपल एफॉर्डेंस की बात करें तो जैसे ईच लैब वाइज क्या क्या सीख सकता है स्टूडेंट क्या क्या टूल हम प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे मैथ्स में कुछ देना है तो सेट स्क्वायर स्क्टर ट्राइंगल का टूल देंगे फिजिक्स uh, लैब में कुछ और तरह के टूल्स होंगे तो इन सब टूल से कैसे एक लैब को क्रिएट कर सकते हैं अच्छे से उस तरह से हमने इसको बनाया है ये एक ग्लिम्स है कि आप देख सकते हैं जैसे एक ओम स्लो एंड रेजिस्टेंस ये क्लास नाइन का एक एक्टिविटी है तो इसमें पहले थियरी फिर प्रोसीजर फिर एनिमेशन फिर सिमुलेशन जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि मेटल बदल लो लेंथ का वायर का चेंज कर दो डायमीटर ऑफ वायर चेंज कर लो और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो रियोस्टेट की है वो चेंज कर दो इसके बाद ये जो राइट right में है ये सर्किट डायग्राम है स्टूडेंट को ड्रैगन ड्रॉप करके कंप्लीट करना है फिर जैसे जैसे वो रियोस्टेट मूव करेगा ये वोल्टे और एम मीटर पे वैल्यूज आएंगी और वो वैल्यूज को वो नीचे टेबल जो आपको दिख रही है वहां पे रिकॉर्ड कर सकता है एंड डायरेक्टली प्रिंट कर सकता है या टीचर से शेयर कर सकता है दिखा सकता है तो ये कंप्लीट एक इको एक है जहाँ पे हम लैब बना रहे हैं Uh, कुछ और लैब ऑफ स्पेसिफिक फोर्डेंसेज की बात करें कि आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया कि ईच लैब में क्या रिक्वायरमेंट है उस लैब की उसके अकॉर्डिंग हमने दिया है जैसे कि ओम्स रॉ में बताया कि मटेरियल ऑफ वायर चेंज हो सकता है वेरिएशन इन लेंथ हो सकता है डायमीटर ऑफ एंड रेजिस्टेंस हो सकता है तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट मैनिकुलेट करके चेंज कर सकता है इफ टॉकिंग ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी एंड संस्कृत की नंबर ऑफ सेंटेंस इन वर्ड आर प्रोवाइडेड फॉर प्रैक्टिस सो इट्स लाइक की मतलब जो सेंटेंस है वो कॉमन नहीं है सेंटेंसिस चेंज हो रहे हैं डेटा बेस डायनेमिक है उस सेंटेंसेस के हिसाब से स्टूडेंट जितनी बार चाहे जैसे एक लैब है टेंस कन्वर्जन या एक्टिव टू पैसिव स्टूडेंट कितनी बार चाहे उतनी बार प्रैक्टिस कर सकता है और परफॉर्म कर सकता है लैब को और हर स्टेप पे हमने उसको रेमेडियल एक्शन और फीडबैक दिया है कि सपोज अगर हम कोई पैसे एक्टिव टू पैसिव कर रहे हैं और चेंज करने में स्टूडेंट ने गलती की तो ये सिस्टम उसको बताएगा कि आपने ये मेन वर्ब गलत किया है या आपने हेल्पिंग वर्ब गलत किया है तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट उसको सही कर सकता है अब अगर बात करें सोशल साइंस की तो उसमें हमने मैप्स यूज किया है ड्रैग एंड ड्रॉप है ना अगर एक लैब है जैसे नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया सो पे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है वो हमने मैप में दिखाया है पूरा और एक ड्रैग एंड ड्रॉप में वो सारे ऑप्शंस दिए हैं तो स्टूडेंट को देखना है कि नेपाल कहाँ पे आता है बांग्लादेश कहाँ पे आता है श्रीलंका कहाँ पे है पाकिस्तान कहाँ पे उनको प्रॉपर सही जगह पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तभी वो एक्टिविटी प्रॉपर प्रौफर, परफॉर्म होगी एंड उसके बाद हम उनको कंक्लूजन बताते हैं कि उन्होंने उस लैब से क्या सीखा तो ये एक लैब स्पेसिफिक एफर्डें का कॉन्सेप्ट है जो हम जब लैप करते हुए ध्यान में रख सकते हैं जब हम कोई वर्चुअल लैब बनाते हैं यह फीडबैक सिस्टम जो मैं आपको बता रहा था जैसे आप देख रहे हैं कि यह स्थान मध्य पुरुष में बहुवचन शब्द का है कृपया सही शब्द चुने यह फीडबैक है आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि मेन वर्ग आपका सही है बट हेल्पिंग वर्ग आपने जो चूजन है वो गलत है तो आपको सही हेल्पिंग वर्ग चूज करना है ऐसे प्रतिपुष्टि यह विद्यालय शब्द का व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बताया है हमने सो so, हर लैब में स्पेसिफिक जगहों पे फीडबैक दिया गया है जिससे स्टूडेंट को कहीं ये प्रॉब्लम नहीं होगी लैब परफॉर्म करते वक्त तो अभी यहाँ पे वर्चुअल लैब्स का डेमो है जो मेरी कलीग प्रियंका आपको अभी थोड़ी देर में देगी उससे पहले कुछ और स्लाइड्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ यूजेज सिनेरियोज हैं कि हम इसको जो हम वर्चुअल लैब सपोज हमारा ओ लैब्स है या आप अपना कुछ कंटेंट बनाते हैं तो उसको तो कैसे यूज कर सकते हैं एज क्योंकि ये एक्टिव लर्निंग पार्टिसिपेशन है टीचर और स्टूडेंट का तो ये टीचर के ऊपर है कि वो कैसे स्टूडेंट से इन लैब्स को शेयर करता और कराता है बट कुछ सिनेरियोज केसेस हमने बनाए हैं जो यहाँ पे हम हाँ, आपको बताते हैं कि जैसे बींग प्रिपेयर को लेके जा रहे हैं तो, तो हम क्या कर सकते हैं टीचर स्टूडेंट को पहले ही क्लासरूम में ये एक दिन पहले होमवर्क दे सकते हैं कि आप ओलास पे लैब देख के आइए तो क्यों क्योंकि एनसीआर टी काुल्जैक्टली ये मैनुअल से मिलता है सेम कंटेंट है तो स्टूडेंट घर से देख के आ सकता है पहले से और उसी टाइम में उस लैब को और इफेक्टिवली कर लेगा So, वहां पे उसका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा और ऑल्सो बिफोर लैब वो एक प्रिपरेटरी ग्राउंड हो जाएगा वेल इक्विप्ड कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए देन यूजेज मोड सेकेंड आफ्टर द फिजिकल लैब दैट मोर ऑप्शन टू एक्सप्लोर जहाँ आपने एक लैब करा दिया स्टूडेंट ने लैब परफॉर्म कर दिया तो जनरली होता है कि लैब परफॉर्म करने के बाद स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं सो so, वो भूल जाता है कि उसने क्या किया था कैसे किया था तो यहाँ पे वो इसको और ट्राई कर सकता है डिफरेंट वेरिएंट से डिफरेंट वैल्यूज को चेंज करके एंड देन उसके बाद उसमें रिफ्लेक्शन भी डाल सकता है कि जैसे स्पेसिफिक क्लास uh, uh, के हिसाब से क्या सीनेरियोज बन रहे हैं और कैसे कैसे उन लैब्स को वो परफॉर्म कर सकता है नाउ एज एन इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस अगर हम बात करें यूजर मोर्ड थ्री That it can be used to to explain concept like Hooke's law of of focus Land as a replica of a replica lab setup, demonstrate the intended behavior using use use affordances provided to try select दैट इट कैन बी यूज try एक्सप्लेनसेज them out in their own. So it is like इज लाइक आपने कॉन्सेप्ट को कंटेंट को क्लास में पढ़ा दिया but lab अभी नहीं कराया तो आप स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि स्टूडेंट इनको लैब को खुद से करने का ट्राई करें बेस्ड ऑफ इज अंडरस्टैंडिंग एंड देन व्हाट यू कैन लर्न दैट वॉट एरिंग और उसको क्या सीखने को मिल रहा है फॉर एक्टिव लर्निंग सेट ये यूजेज मोड फोर है कि और इसको कैसे यूज कर सकते हैं कि फ्लिप क्लास रूम रिक्वायर मैगन टू एंगेज अ क्लास विदाउट लेक्चर ये एक एंगेजमेंट हो सकता है कि लैब को आप सामने रख के स्टूडेंट से इंटरेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे अगर एक स्प्रिंग बैलेंस का क्वेश्चन है तो व्हाट विल हैपन अगर मैं 25 किलो का वेट हटा के हुक्स लॉ में 5 किलो का वेट रख दू क्या होगा इमेज पे अगर कैंडल जो है फोकल पॉइंट के पास जाता है तो कैसे रेज का मूवमेंट होगा इस तरह के जो डिफरेंट लैब्स हैं आप इफेक्टिवली स्क्रीन शेयर करके लैब में स्टूडेंट क्लास में या लैब में स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा और उन्हें प्रिडिक्ट करने को बोल सकते हैं तो so, स्टूडेंट को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है कि आ, अरे इसके बाद क्या होगा लैब में अब ये लैब और कैसे की जाएगी तो so, इस तरह से थोड़ा सा ये जो डीप एंड लर्निंग एनकरेज रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है ये पिक्चर में आता है यूजर मोड फाइट जो जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ जगह पे फिजिकल लैब्स नहीं अवेलेबल हैं पैंडमिक में स्कूल्स वगैरह क्लोज थे तो so वहां पे ये एक एज अल्टरनेटिव टू फिजिकल लैब हो सकता है जहाँ पे फिजिकल लैब नहीं है तो वहाँ पे आप लैब रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं लैब की एक्टिविटी का फील आ जाएगा वैसा ही अपीरियंस एंड एक्टिविटीज का और आप स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि वो घर से ही डिवाइसेज से अपने इन लैब्स को परफॉर्म कर सकें नो अगर इफ आई ट बिल्डिंग ऑफ वर्चुअल लैब सो जैसे इसका एजेंडा था कि हम आपको डेमोस्ट्रेट करेंगे कि आपको कैसे लैब यूज करना है सो दे आर आर मैनी थिंग्रिएटिंग लैब बट एवरी टाइम द कोर रिमेन्स दर्चुअल क्या होता है जहां पे हम एक्चुअल जो बिहेवियर होता है वहां पर रिफ्लेक्ट होता है स्टूडेंट का स्टूडेंट इंटरैक्ट करता है तो ना अगर हम कोई लैब बनाते हैं तो वहाँ पे कैसे उसको स्टूडेंट को बिहेव करना है लाइक पेंडोलम ऑसोलेन ऑबोइंग द डिफरेंट रूल रेलेवेंट रूल्स ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन ये हमको बहुत ध्यान में रखना होगा कि अगर हमने कोई फिजिकल बताई तो पेंडुलम का जो ऑसोलेन है वो क्या क्या रूल्स को फॉलो कर रहा है ऐसा नहीं कि वो एक्चुअल जो फिजिकल लैब में होता है उसके से हिल जाए तो ये सब हमें माइंड में रख के लैब बनानी होती है अगर हम कोई बना रहे हैं तो हमें प्लस बी स्क्ल टू सी स्क्वायर सो हम जब भी ट्राइंगल बनाए वर्चुअल मोड में वो हमेशा ट्राइंगल मतलब वो प्रूफ होना चाहिए ऐसा नहीं कि प्रूफ ना हो तो ये सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड रहनी चाहिए जब हम कोई एक वर्चुअल लैब बनाते हैं ये कुछ स्टेप्स हैं जब हम सपोज करिए एज अ टीचर नाउ यू वांट टू क्रिएट अ सिमुलेशन सो क्या करना है सबसे पहले टॉपिक आइडेंटिफाई करना है इट इज लाइक कि आप एक्चुअल टीचर से जो स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको पता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत टफ है हार्ड स्पॉट है जो स्टूडेंट को समझ में ज्यादा नहीं आ रहा है सो so, आप ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिससे हम कुछ ऐसा बनाए सिमुलेशन uh, जो स्टूडेंट को थोड़ा सा विजुलाइज करने में और अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाए देन उसके लिए जो फिजिकल लैब का मैनुअल है उसे अप्रोच करें टेक्स्ट बुक्स देखें कॉन्सेप्ट और देखें कि किसके लिए और क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है उन सब तो 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 से मिला के कंसोलिडेटेड अपना एक प्रोटोटाइप बनाएं हम लोग जो ऐसा होता है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स रिक्वायरमेंट है जैसे अगर एक लैब बनानी है तो उसके लिए सपोज सिलेंडर की लैब है तो एक सिलेंडर चाहिए होगा एक कटर चाहिए होगा एक पेस्ट करने के लिए पेपर चाहिए होगा ये सब चीज़ें हमें क्या चाहिए ये सारी चीजें आइडेंटिफाई uh, करनी होंगी देन वी नीड टू डिसाइड एफोर्डेंसेज जो मैंने बताया कि टूल्स क्या प्रोवाइड करनी है आपको स्क्वेल देना है प्रोटेक्टर देना है सेट स्क्वायर देना है एक मैथ्स लैब के लिए या केमिकल लैब में आपको एक बीकर देना है टेस्ट ट्यूब देना है या बर्नर देना है वो सब दिखाना है देन गाइडेंस अभी लैब बनाते वक्त ये भी ध्यान रखना कि स्टूडेंट क्योंकि ऑनलाइन कर रहा है खुद से तो किसी भी स्टेप पे गलती कर सकता है तो उन गलतियों को हम कैसे सुधारेंगे उन्हें कैसे प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर गाइडेंस उसके लिए हमको हर स्टेप पे देना होगा गाइडेंस उनको स्टेप्स बहुत क्लियर होने चाहिए और फीडबैक होना चाहिए उनकी गलतियों पे कि अगर उसने गलत मतलब एक टेस्ट ट्यूब से मैं जो केमिकल डालना था वो कहीं और डाला सपोज करिए तो आपको फीडबैक बताना चाहिए सिस्टम आपका वर्चुअल लैब कि नहीं आपने ये गलत डाला है आप इसको सही जगह पे लेके जाइए ये सब चीजें जब आइडेंटिफाई होंगी तो आप एक स्टोरी बोर्ड बनाइए कि आपका अप्रोच प्रोटोटाइप अब मुझे ये लैब बनानी है ये ये सारे स्टेप्स रहेंगे इसके बेसिस पे आपका एक प्रोटोटाइप बनेगा जो कि स्टोरी बोर्ड जो कि एक रॉ होगा जिसके बेस पे आप अपनी एक्चुअल लैब को डेवलप करेंगे तो प्रोटोटाइप बनाने के बाद जब आप रेडी हो जाएंगे तब आप प्रोटोटाइप के बाद लैब का एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे फिर सिमुलेशन की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट थियरी रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए लैब के साथ इंस्ट्रक्शन की कैसे परफॉर्म करना है हेल्प एंड फीडबैक एक लैब के रेस्पेक्ट में कि क्या क्या लगेगा एक स्टूडेंट को एडिशनल रिसोर्स अगर आप कुछ देना चाहते हैं स्टूडेंट को कि मान लीजिए एक टॉपिक के लिए उसे और ज्यादा क्या पढ़ना है तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन नॉट टू जज देम जस्ट टू गेट एन एनालिसिस की मतलब उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया भी या नहीं लैब इफेक्टिव है कि नहीं तो उसके लिए कुछ वाइवा वॉइस क्वेश्चन उनसे डाल सकते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि स्टूडेंट प्रॉपर ये कॉन्सेप्ट समझ रहा है या नहीं समझ रहा है एनि स्टोरी बोर्ड और टेक्स डॉग्राम कैन बी यूज दिस इज फॉर बिल्डिंग इको सिस्टम की जब बात करते हैं हम तब तो टूल्स जो है वो बेसिक जो दो टूल्स है स्क्रैच और जियो जेबरा कॉमनली बहुत यूज है मैं आपको मेरी टीम आपकी कलीग आपको एक जियो जेबरा का एग्जाम्पल uh, देगी कि कैसे एंगल मेजर uh, करते हैं बनाते हैं ट्राइंगल तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे बनाना है देन बोथ है विजुअल प्रोग्रामिंग ये ऐसा है कि आपको थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके करना है तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ कोडिंग नहीं लगेगा तो उससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है आजकल जो टूल्स आ रहे हैं वर्चुअल लैब के वो ऐसे हैं कि टीचर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं टूल्स की टीचर्स को प्रोग्रामिंग का ज्यादा लोड ना रहे वो केवल अपने कॉन्सेप्टलाइज करके कॉन्सेप्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके या मिनिमम क्लिक्स से उस लैब को डेवलप कर सके So, uh, अब डेमो के बारे में आएगा सो so, ये पूरा एक ओवरव्यू uh, था वर्चुअल लैब कॉन्सेप्ट फिर ओलैब्स हाउ कैन वी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आवर योर लर्निंग सिस्टम एंड नाउल डेमो ऑफ द ओलैब फर्स्ट यून अ डेमो ऑफ ओल्स फ्यू लैब्स की हाउ द लैब्स आर देयर हाउ यू हैव टू सी फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इंग्लिश एंड ऑल लैब सब्जेक्ट्स एंड देन वी विल गिव यू टूल डेमो ऑफ जियो जेब्रा यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि जियो जेब्रा में आपको कैसे बनाना है So I will stop my presentation and we will share again. Just give us one minute. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सोना जस्ट शो यून डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन लैब्स जो अभी आपने देखा वैभव जी ने जो अभी दिखाया मतलब जो बोला अबाउट रिगार्डिंग वर्चुअल लैब्स की बहुत सारे अफोर्डेंसेस होते हैं ना कि सिर्फ आप सिमुलेट करें उसको करके देखें लेकिन उसके बाद भी बावजूद भी बहुत कुछ होता है एक lab में तो मैं मैं दिखाना चाहूंगी तो जस्ट मैं शेयर करती हूँ सो uh, so यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज ऑनलाइन लैब्स दैट इज ओ लैब्स डॉट ईडी एक वर्चुअल लैब है हमारी और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स लैंग्वेज साइंस कंप्यूटर देन एआर वी एंड सोशल साइंस ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे एक जो uh, एक सब्जेक्ट होता है या फिर उसमें से कोई एक टॉपिक होता है वो कैसे इन्होंने समझाया है तो जैसे फिजिक्स में देखें तो यहाँ पे क्लास नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं तो इसमें से हम एक लेंगे दैट इज अ वेरिफिकेशन ऑफ हुक्स लॉ तो जैसे हम देख सकते हैं कि ना सिम्युलेटर ही नहीं लेकिन बहुत सारे अफोर्डेंसेस होते हैं एक वर्चुअल लैब में जैसे कि है थियोरी प्रोसीजर देन वाइवावोज एंड द रेफरेंस मटेरियल्स दैट आर यूज्ड इन टू प्रिपेयर दिस लैब सो थियोरी में आपको सब कुछ मिलेगा जो दैट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर लैब दैट इज ऑब्जेक्टिव थियोरी Uh, अगर कोई प्रोसीजर uh, में कोई मटेरियल्स यूज हुआ है इस सिम्युलेटर के लिए तो वो भी uh, यहाँ पे आपको मिल जाएगा दैट इज मटेरियल्स इज स्प्रिंग एंड मेजरिंग रूलर एंड वेट्स एंड द प्रोसीजर टू टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स आर प्रोवाइडेड हियर दैट इज द वन व्हिच इज टू बी परफॉर्म इन द सिम्युलेटर दैट इज इन ऑनलाइन लैब्स एंड द एंड एक्चुअल एक्चुअल प्रोसीजर दैट इज टू बी परफॉर्म इन योर लैबोरेटरी सो वी विल see in a simulator how they have done this lab that is uh, so initially instructions are provided which are click on the weight to be attached to the spring then allow spring to come to rest then record the reading on the scale in the observation table repeat the procedure and once all the readings are recorded

क्लिक ऑन दी फाइव के जी सो फाइव के जी पे क्लिक करेंगे तो हमें दूसरी रीडिंग मिलेगी विच इज फोर देन एट के जी पे क्लिक करेंगे तो सिक्स पॉइंट फोर एंड दस पे क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगा एट सो नाउ क्लिक ऑन प्लॉट सो हियर यू कैन सी दैट द ग्राफ इज़ प्लॉटेड बाय यूजिंग दिस रिस्पेक्टिव रीडिंग्स सो so, जैस जैसे अभी हाँ, हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे अफोर्डेंसेस होते हैं लाइक फीडबैक होता है हिंट्स होती है इनका यूज करके एक लैब बनाई जाती है जिसमें इस ऑनलाइन लैब्स में हम प्रोवाइड कर रहे हैं वाइवा वोस जैसे एम uh, सी होते हैं वैसे एम सी क्यूज यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं जिनका आपको फीडबैक ऑन द स्पॉट मिलेगा एंड इफ देर इज अंट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखा ही नहीं सो दिंटेड इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर सेकेंड स्क्वेर सो ये हो गया एक लैब जो अभी मैं दूसरी दिखाना चाहूंगी अः uh, हम जाते हैं सोशल साइंस में तो एक जैसे अभी आप, आपको पता है सोशल साइंस में लैब एस सच कुछ होता नहीं है राइट कि बाय यूजिंग वर्चुअल लैब्स हम सोशल साइंस का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाए लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन लैब्स में हमने ये प्रयास किया है कि हम ऐसी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सके स्टूडेंट्स को आ, जिससे कि वो याद रखे कि ये होता क्या है कैसे करते हैं वगैरह सो अगर हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे एक वाटर साइकिल है तो वाटर साइकिल में तो आपको पता है कि होता क्या है दैट इज इवेपोरेशन कंडेंस कंडेंसेशन देन प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ ये चार फेजेस uh, होते हैं और अपने हमारी वाटर साइकिल उससे होती है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है देन द प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल उनके डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड इन दिम्यटर द उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इसको बनाया कैसे जाता है बाय यूजिंग हिंट

What, पानी के ऊपर तो क्या होगा वॉटर इज अवर इनपुट वॉट विल बी द आउटपुट वेपर्स एंड किसके वजह से होगा ये कॉज इज हीट तो जैसे ही हम रखेंगे तो आप देख सकते हो कि वॉटर वेपर्स आर स्टार्ट कमिंग सो ये अपनी एक फेज हो गई सो क्लिक ऑन नेक्स्ट तो यहाँ पे अभी अपने वाटर वेपर्स आना चालू हो गए तो अभी हम वापस से बो, बोलेंगे कि वॉट विल हैपन वेन द इवेपोरेटेड वाटर गोज इन टू द एटमोसफियर तो उसके बात क्या होता है तो वो वेपर्स जाते हैं उससे क्या बनेंगे हमारे क्लाउड्स बनेंगे और किसके वजह से बनेंगे हीट के से बनेंगे क्लाउड uh, okay? बने तो ये हमारा एक फेज हो गया ठीक है इवेबरेटेड वाटर से अभी नेक्स्ट अभी व्हाट विल क्लाउड के बाद क्या होता है तो क्लाउड्स uh, अपना इनपुट है देन इट विल कन्वर्टेड टू लिक्विड वाटर बिकॉज ऑफ कोल्ड सर्फेस ये हो गया अगेन नेक्स्ट वापस ड्रैग एंड ड्रॉप द ड्रॉफ्रोप्रियट इनपुट आउटपुट स्टेट एंड कॉज ऑफ इट एंड अगर आपको देखने हैं तो यू कैन क्लिक ऑन दिस शो ऑल्सो सो आपको ये कॉज दिखाएगा कि किसके वजह से ये हो रहा है तो अभी वॉट विल हैपन वंस द क्लाउड गेट्स ड्यू टू कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स तो कंडेंस्ड वाटर इज कन्वर्टेड टू रेन और बिकॉज ऑफ फ्रीजिंग सरफेस बराबर अभी हम करेंगे क्लिक ऑन नेक्स्ट और जैसे ही एज द क्लाउड ट्रेवल्स अलोंग द एयर मोर एंड मोर इन द वेट द क्लाउड इंक्रीजेस द रेनफॉल अकर्स ओके सो जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे क्लाउड्स uh, मूव होने लगे एंड देन रेन स्टार्टेड देन अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट सो ऐसे Uh, अपने uh, जो वाटर uh, साइकिल होती है इन यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बाय यूजिंग द क्वेश्चंस और बाय यूजिंग द हिंट्स सो दिस इज़ वन फ्रॉम सोशल साइंस पार्ट अगेन सेल्फ इवेल्यूशन रेफरेंस एंड फीडबैक इज सेम फॉर ऑल द लैब्स सो हम एक देखेंगे लैंग्वेज का Uh, तो जै, जैसे देखा जाए तो लैंग्वेज में भी एसच लैब होती नहीं है लेकिन वी हैव ट्राइड फॉर हिंदी एंड संस्कृत आल्सो इनिशियली इट वाज इन इंग्लिश इंग्लिश लैब्स हमारी पहले से ही थी लेकिन हमने संस्कृत एंड हिंदी अभी नई नए, नए से ट्राई की है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे टेंस कन्वर्जन में तो अगेन यहाँ पे थियोरी प्रोसीजर uh, बाकी लैब वाइवा बोज रेफरेंसेस सब सेम ही है uh, तो हम डायरेक्टली डिर, जाएंगे लैब में तो इंग्लिश का लैब इन टेंस कन्वर्जन इसमें भी बहुत ये जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस आप हमारा एक नाम डालना है दैट्स इट सो अगर आपने यहाँ पे देखा तो एक टेंस दिया हुआ है विच इज इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आपको वो चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट ओके सो इट इज कमिंग इन अ परफेक्ट प्रेजेंट टेंस परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ओके सो ये ऐसे है अगर इसको आपको किस कि, कहा किस किस में बनाना है तो लाइक वाइज यू कैन चूज एंड अकॉर्डिंगलीजेंट टेंस वी नीड टू कन्वर्ट इन कंटिन्यूस टेंस चाइल्ड क्लीन अः यहाँ पे वर्ड रिपोजिटरी दी है तो यहां से आपको चूज करना है कि कौन से वर्ड्स आएंगे ऑन प्रॉपर पोजिशन और वो उठा के हमें डालने हैं तो मैं अभी डालती हूँ वेर क्लीके एंड क्लिक ऑन So, जैसे देखा ये एक अफोर्डेंस है जो है फीडबैक जहाँ पे आपको पता चलेगा कि मेन वर्ब इज नॉट करेक्ट एंड इज आल्सो नॉट करेक्ट सो उसका बेस वर्ब क्लीन शुड बी चूजन अकोर्डिंग टू दिलेक्टेड टेंस रॉन्ग फॉर्म ऑफ दर्ब क्लीन इज चूजन क्स्ट okay, so was... okay, so जैसे ही हम इसमें देखेंगे तो आप कितने भी कॉम्बिनेशन uh, को ट्राई करेंगे आपको हर एक बार एक नया सेंटेंस मिलेगा ना कि हम एक ही सेंटेंस को बार बार uh, अलग अलग टेंसेस में uh, करेंगे लेकिन हर एक टाइम में आपको एक नया नया सेंटेंस मिलता जाएगा सो दैट सो स्टूडेंट विल ट्राई इट आउट एंड दे कैन लर्न ओके सो दिए था एक हमारा इंग्लिश uh, का तो अगर uh, अगर यहाँ पे देखा जाए तो लैंग्वेज में हमने संस्कृत वगैरह भी ट्राई किए हैं दैट इज uh, संज्ञा शब्द रूप तो यहाँ पे अगर हम सिम्युलेटर में देखेंगे तो आपको बहुत सारी जैसे आप देखो संज्ञा शब्द रूप में सिलेक्ट द टाइप ऑफ नाउन वर्ड जेंडर एंड अकॉर्डिंगली द नाउन वर्ड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन सो यहाँ से हम चूज करेंगे जेंडर इज जो भी आपको चूज करना है कौन सा लेना है बालक लिया हमने तो ये आ गया अभी यहाँ पे जो नाउन वर्ड लिस्ट है ये जो ब्लैंक स्पेसेस है वहां आप, वहां पर आप, आपको डालना है तो ये यहाँ पे हमने डाल दिया मैं अभी रैंडमली यहाँ पे डाल रही हूँ तो आपको यहाँ से हम देखेंगे कि सबमिट सो यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन जो दिखा रहा है which is correct. अगर आपको फीडबैक देखना है तो यहाँ पे यू कैन क्लिक ऑन दिस गेट अ फीडबैक फॉर दैट पर्टिकुलर वचन सो लाइक वाइज यू कैन परफॉर्म ऑल सो जैसे ही वर्चुअल लैब में अगर आपने अगर अभी देखा हो तो बहुत सारे अफोर्डेंसेस है थियरी uh, भी है प्रोसीजर भी है एनिमेशन भी है अगर बच्चों को नहीं समझ में आता है तो वी कैन ट्राई इट आउट बाय यूजिंग एनिमेशन आल्सो सो ये एक हुआ वर्चुअल uh, लैब का विच इज ऑनलाइन लैब्स अभी मैं, uh, मैं दिखाती हूँ आपको uh, दूसरी लैब दैट इज अः जियो जेबरा कैन यू सी माई स्क्रीन जियोजेबरा डॉट ओ आर जी हलो यस मैम स्क्रीन या ओके ओके थैंक यू मैम सो जैसे uh, ये ये एक टूल है uh, तो ये मैथमेटिक्स के जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट है उतने हम इसमें ट्राई करके देख सकते हैं तो दिस इज अ फ्री वेबसाइट एंड दिस इज अपन सोर्स वेबसाइट दैट इज जियोजेब्रा डॉट ओ आर जी तो यहाँ पे आप मैथ्स के बहुत सारे वराइटी ऑफ लैब्स उन्होंने ऑलरेडी कुछ एक्टिविटीज की हुई है तो दैट यू कैन ट्राई इट आउट तो अगर आपको देखना है तो यू कैन गो टू द रिसोर्सेज यहाँ पे यू कैन सी दैट अल्जेब्रा के वन नॉट एट रिसोर्सेज आर ऑलरेडी देयर जोमेट्री के एटी सेवन इज मेजरमेंट के एट्टी फोर है सो लाइकवाइज यू कैन एक्सप्लोर तो इक्वेश्स uh, है फंक्शंस है डिविजन्स है वगैरह देन एंगल्स है तो बहुत सारे उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए हैं दैट यू यू कैन कैन डायरेक्टली यूज अगर आपको ये किसी को देना है दैट आल्सो यू कैन डू यू हैव टू जस्ट डाउनलोड इट इन द एस फॉर्म और यू कैन एम्बेड दिस फाइल या एस फॉर्म इन द अनदर फाइल ओके सो आई जस्ट शो यू वन सिंपल मैथमेटिक्स

to help you to uh, perform this activity so uh, you, you can see that a point point on object intersect then midpoint or center if you midpoint of line तो दैट यू कैन गेट देन लाइन रिलेटेड जो ऑल रिलेटेड होते हैं ऑब्जेक्ट्स दैट आर आल्सो गिवन देन परपेंडिकुलर लाइन पैरल लाइन परपेंडिकुलर बाई सेक्टर देन ट्राइंगल पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन देन सर्कल रिलेटेड ऑल द थिंग्स दैट इज सेमी सर्कल आर्क है सेंटर एंड रेडियस है देन एलिप्सिस है देन इफ यू वॉन्ट टू फाइंड एनी एंगल देन एंगल विथ साइज want to measure a distance of that particular line or area

So, now we will uh, prepare one activity uh, for that. Uh, just delete this. I'll just remove this axis so I will get one grid. Okay, now uh, I want to uh, make one uh, simple activity which, which is angle sum property of a triangle. Ja, hum kya bolte? Angle sum property of a triangle means all the angles of one triangle is 180 degree. So, angle sum. ट्राइंगल ये ये मेरा जस्ट अ टेक्स्ट है ओके okay. सो so, ये मैंने एड कर दिया अभी मुझे थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देती हूँ हाँ इसका साइज uh, थोड़ा मैं बढ़ा देती हूँ ओके सो दिस इज माई जस्ट अ टाइटल टाइटल ऑफ माई एक्टिविटी ठीक है ओके सो नाव triangle angle some property of a triangle triangle. So now just click on this polygon. Okay, so for polygon just click on this three any three dots you know in this particular graph. So you will get a triangle with side A B and C. Now we want angles of this triangle. So I'll just click on this angle and click and again click on this angle. So

Uh, for that, just uh, increase the opacity and you can change the color also. And if you want, uh, you can change the size also. So now I'll just increase the size of this and change color and change the opacity. Then again, for this third one, I'll just increase the opacity and increase the size okay so uh, so now i have increased the size i'll just delete uh, i'll just uh, hide these labels okay now i have a b c uh, triangle with sides a b and c and angles are also there

I'll just use this simple text that is alpha plus beta plus gamma. Okay, and just click on the okay button. Okay. So this is my just a simple text that is alpha okay, minute. Huh? alpha plus beta plus gamma now i'll add again a text which is my actual angles that is the objects of this triangle if you want the objects of this triangle you have uh, have to go to this advanced properties in that this the Logo of jo uh, GeoGebra and click on that, you will get all the objects that are used to create this triangle. So, okay, now we want to use alpha plus beta plus gamma. Okay, so these are the actual angles, right? So, it is showing you the Actual angles. So whenever I just move this, you can see that the, my angles are moving. And if you want to confirm, then you can see here on the left-hand side, alpha equals to eighty-four point zero five, beta is forty-nine point fifty-seven, and gamma is forty-six point thirty-eight degrees. Now we want to uh, make, make that all these three angles are one eighty degree. So in on the left-hand side here, input is there. In that, I'll just add some. That is just a string. Uh, title uh, name equal to equal to the actual parameters that is alpha plus beta plus gamma so for that we, i'll just use this alpha here you can see that whenever i add any uh, object of this triangle my angles are showing and now i have added beta so it is alpha plus beta it is showing you 133.62 degrees now i'll add gamma gamma so now it is showing me 180 degrees means what all the angles of a triangle the sum of the angles of a triangle is 180 degree so now my object that is showing me 180 degree is the name of that object is sum so now we will use that object in our uh, activity so i'll just click on this i'll just click on this uh, text and i will add equal to our the sum object here. You can see that the sum object we will get that is 180 degree. So just click or click here, and here you can see that whenever I move my vertex A and uh, my angles alpha, beta, and gamma are changing, my sum is constant. That is 180 degree. Means what the angle sum property of a triangle is proved. That is the sum of the angles of a triangle is 180 degrees if you move your b also beta also then also your uh, sum is 180 degrees so likewise you can uh, do this uh, for all the all types of a triangle equilateral triangle isosceles triangle but the property is same for all the triangles so this is the GeoGe uh, geogebra uh, demonstration uh, by using this uh, geogebra.org website which is freely available and uh, open source uh, website so you uh, teachers can use this to create their activities so i'll just request uh, mr vaibhav to uh, continue further uh, thank you yeah thank you priyanka so we may have a question answer sessions if we have any

जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हमने कोई भी एनिमेशन या एस टी एम एल हमने तैयार की है जी जी वो हम जैसे कंप्यूटर पे हमने तैयार की और उसको फोन में ले जाते हैं तो वो एज इट इज काम करेगा या कोई प्रॉब्लम आएगी फिर उसमें नहीं नहीं सर फोन पे भी एज इट इज काम करेगा क्योंकि ये सब नई टेक्नोलॉजी का जो स्क्रीन होता है ना ये रिस्पॉन्सिव होता है तो ये डिवाइस के हिसाब से मोबाइल टैबलेट कंप्यूटर बड़ा कंप्यूटर स्क्रीन के साइज स्क्रीन ले लेता है और वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है जी कोई और क्वेरी? सर इसमें मेरा एक और क्वेश्चन था जी जी. कि जैसे हमने ये तैयार किया जियोजैबरा में तो उसके बाद तैयार करने के बाद जैसे ये पॉइंट वाइज और बच्चे को दिखाना है तो जैसे स्क्रीन पर मोबाइल की स्क्रीन पर हम ले जाते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पे क्या ये सारे सभी ऑप्शन आएंगे जी जी आएंगे सर क्योंकि मैं थोड़ा सा मोबाइल व्यू पे काम कर रहा हूँ सर हाँ हाँ जी जी सर आएंगे वो रिस्पॉन्सि जियो जेवरा की एप्लीकेशन है मोबाइल में उसमें सभी ऑप्शन नहीं मिल पा रहे हैं जी तो इसलिए पूछ रहा था कि ये सभी ऑप्शन काम करेंगे या काम ना पर काम करते हैं सर क्योंकि स्क्रीन करें हाँ 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 क्योंकि समस्या ये है ना सर हम तो जैसे किसी भी उस पे डिवाइस पे काम कर लेते हैं चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कंप्यूटर हो लैपटॉप हो लेकिन बच्चे के पास तो अवेलेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम मोबाइल की ही अवेलेबिलिटी हो पाती है जी जी वो है तो बाकी इसलिये... अभी एक बाकी अभी डॉक्टर अलका मैम ने मैसेज डाला है आप देख सकते हैं कि आपको आपको मोबाइल में अगर गो ऑन डेस्कटॉप साइट ऑप्शन तो वहाँ पे आपको हो जाता है तो आप वहाँ से भी एक बार ऑप्शन देख सकते हैं सर सर दरअसल मैं खुद भी एक वर्चुअल लैब पे काम कर रहा हूं, तो इसलिए थोड़ी सी मेरी क्यूरी हो सकता है ज्यादा हो जी जी नहीं नहीं बिल्कुल तो... सही है सर आपको लेटर और ज्यादा कुछ क्वेरी लगे तो आप सीआईटी के थ्रू हम लोग को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं तो हम लोग और आपको गाइड कर सकते हैं वो कोई हाँ, सर। तो उसके लिए। हाँ जी मैं एक मिनट टाइम लेके जरा कुछ चैट में क्वेश्चन आंसर कर दूँ फिर मैं लेता हूँ सो प्लीज शो वन वर्चुअल लैब ऑन दीक्षा मैम एक यू आर एल है दीक्षा डॉट जी ओ वी डॉट इन स्लैश वर्चुअल में शेयर किया था मैं चैट में डाल रहा हूँ आप वहां पे जाके क्लास वाइज वहाँ से फिर आप एक लैब देख सकते हैं आराम से फिर आशीष कामरॉय सर का क्वेश्चन है कि एनी कंप्यूटर लैब ऑन ओलैब्स जी सर कंप्यूटर लैब्स कुछ जैसे एडिशन ऑफ नंबर प्राइम नंबर फेबूना सीरीज ऐसे कुछ 20-25 लैब्स कंप्यूटर के ऊपर भी ओलैब्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है डब्ल्यू 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 डॉट ओलैब्स डॉट एडू डॉट इन मैं आपको ये दोनों का लिंक डालता हूं देन उसके बाद मनोधर कुमार नैनवाल जी का सवाल है कि सिंपल पेंडुलम शोइंग केमिकल रिएक्शन ये सर सारे लैब्स वेबसाइट पे अवेलेबल है बट क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्टेंट है तो हम आपको नहीं शो कर सकते हैं आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो केमिस्ट्री के थ्रू नेविगेट कर देंगे आप केमिकल रिएक्शन के लिए और जब आपको फिजिक्स के थ्रू नेविगेट करेंगे तो आपको सिंपल पेंडुलम भी मिल जाएगा और सिमुलेशन भी दिख जाएगा आपको जो आपको देखना है ठीक है मैं आपको लिंक चैट में डाल रहा हूँ सर एक मिनट के अंदर सब लोग के लिए तो वहां से आप लिंक शेयर कीजिए सर प्लीज जी जी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ ओलैप्स का भी और दीक्षा के थ्रू आप कैसे जा सकते हैं उसका भी ये मैंने ओलैप्स का शेयर किया सर एंड देन दीक्षा के थ्रू कैसे जाना है मैं आपको बता भेजता हूँ उसका भी ठीक है सर दोनों लिंक हमने शेयर किया है चैट में तो यहाँ से आप दीक्षा के थ्रू भी जा सकते हैं नेविगेट कर सकते हैं और ओलास की वेबसाइट पर डायरेक्टली जाके आप फिर जो अभी लैब देखनी है आपको आप वहाँ से आप उस लैब को दे सकते हैं करंटली 212 300 uh, 212 के आसपास कुछ लैब्स दीक्षा के थ्रू अवेलेबल हैं तो आप वहाँ से जाके लैब्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और हम कुछ लैब्स भी इसमें ऐड कर रहे हैं कंटेंट अभी प्रोसेस में है तो हमारा टारगेट है कि कुट अराउंड सेवन फिफ्टी लैब्स तक कवर करें फॉर क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ कंक्लूडिंग ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट्स जी सर और कोई क्वेरी किसी का क्वेश्चन सर कंटेंट को सेव कर सकते हैं जी जी जियो जी कंटेंट को सेव कर सकते हैं हम लोग एस टी एम एल के फॉर्मेट में थैंक okay, यू जी और ए आर नहीं है अवेलेबल जियो में सुरेश कुमार जी का सवाल था नहीं सर है बताना चाहेंगे आपको सर बट वो अभी उतना इफेक्टिव ज़्यादा यूज़ में आया नहीं है सर कंटेंट उसका अवेलेबल स्टूडेंट को कराना तो हम लोग अभी जो यूज़ करते हैं वो केवल लैब मैथ्स का ही कुछ कंटेंट है लेबरा का बनाने का ट्राई करते हैं हाँ अवेलेबल आ गया है थोड़ा सा लेकिन आप अगर उसमें आपको कंफर्टेबल है तो आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं उसका कोई इशू नहीं है जी कोई और सवाल प्रकाश चंद उपाध्याय जी का सवाल है जी सर फैट का जो सिमुलेशन है और ओलेफ में क्या उसमें क्या डिफरेंस है तो मैं बताना चाहूंगा जो फैट का कंटेंट है वो लिमिटेड है और वो वर्ल्ड वाइड है मतलब वो इंडियन कंटेंट के हिसाब से नहीं है अपने हमारा जो ओलैब्स है वो बेसिकली डायरेक्टली फॉलो करता है एनसीआर बेसिक करिकुलम को मैनुअल्स को तो अगर आप क्लास एट्थ में अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ पैलोग्राम पढ़ा रहे हैं या क्लास नाइन्थ में आप ओम्स लॉ पढ़ा रहे हैं तो आपको उसी क्लास में आपको डायरेक्टली ये लैब मिलेगी तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और स्टूडेंट को ज्यादा नेविगेट करके सर्च नहीं करना पड़ेगा कंटेंट अरेन्ज है जी इलेवेंथ और ट्वेल्थ के लिए अभी बारह ही लैब अवेलेबल है ओ लैब्स के लिए बट बाकी लैब्स भी अवेलेबल हैं सुप्रिया जिन्होंने सवाल पूछा चैट पे और बाकी लैब्स ऐड हो रही हैं अभी भी इलेवंथ ट्वेल्थ की कुछ लैब्स अवेलेबल हैं ओ लैब्स पे जी अभी गुरविंदर कौर जी का सवाल है अभी केवल साइंस और तो मैथ्स का ही लिंक हो पाया है 212 लैब में सोशल साइंस क्योंकि अभी नया टॉपिक है थोड़ा सा तो सोशल साइंस संस्कृत ये कुछ लैब्स अभी दीक्षा पे लिंक नहीं हो पाई हैं बट ये कुछ लैब्स अभी वेबसाइट पे आप जब जाएंगे ओलैब्स पर डायरेक्टली अवेलेबल है हम दीक्षा के थ्रू उसको लिंक करने के प्रोसेस में है कंटेंट वेरीफाई हो रहा है जैसे ही प्रॉपर हो जाएगा हम उसको दीक्षा के थ्रू लिंक कर देंगे नहीं ओलैब्स में आप अपना खुद का कंटेंट नहीं बना सकते हैं बट हमको कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट रहती है So, अगर आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है हमको एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या आपके पास कुछ आइडिया है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मैं एक ईमेल आईडी उसकी आपको चैट में भेज रहा हूं आप इस पर एक ईमेल कर सकते हैं जी So, uh, CIT, uh, do we have any uh, anything else to discuss, or we can close the session?